लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। पीटीआई के 3 अराकीन ने सूबाई असेंबली का पार्टी छोड़ने का ऐलान। एमपीए पीटीआई सरदार खुर्रम लगारी कहते हैं कि मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया है, मेरे साथ 5 एमपीएस पार्टी छोड़ रहे हैं। सरदार खुर्रम लगारी का दावा, अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। मियां असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां असलम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च से पहले जो है वो खुर्रम लगारी ने एक बड़ा दावा किया है और उनका ये कहना है कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने का उन्होंने जो है वो फैसला किया है और इस फैसले में उनके साथ दूसरे भी 3-4 अराकीन सूबाई असम्बली भी शरीक हैं। खुर्रम लगारी का ये भी कहना था कि बताया जाए कि क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर जो है वो वजारतें दी गई, वो आइंदा जो है वो अपनी सीट से भी इस्तीफा दे सकते हैं और पार्टी भी छोड़ सकते हैं, वरना जो है वो उन्हें मुतमईन करना जरूरी है। उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में जो है वो उनके मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी चल रही है और अलमदार और अब्दुल हई दस्ती का उन्होंने नाम भी लिया और उनका ये कहना था कि दोनों लोग जो हैं ये भी उनके साथ पार्टी छोड़ने में शरीक हैं और मैंने बारहा दोनों से रब्ता किया लेकिन वो जो है वो अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उन्होंने अपने मोबाइल जो है वो अब बंद कर लिए हैं। लेकिन खुर्रम लगारी का ये दावा है और उनसे बातचीत भी हुई है कि वो जो है वो ये पार्टी भी छोड़ना चाह रहे हैं और असेंबली भी छोड़ना चाह रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वजारत के लिए आप जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वजारत जो है वो एक साइड का मामला है, लेकिन किसी मेरिट के बगैर वजारतें देना जो है ये भी एक वजह हो सकती है और इसीलिए जो है वो पार्टी की पार्टी भी छोड़ना चाह रहे हैं और इसके साथ साथ असेंबली रुकनियत से भी मुसाफी होना चाह रहे हैं। जी